मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मेरे बाल झड़ रहे हैं या नहीं। सो मेरे बाल आप जैसे कि देख सकते हैं, एक भी बाल मेरे, यानी कि मैं अगर ऐसे करती हूँ अपने बालों को नीचे जब हम लेके आते हैं तो एक दो बाल तो रहते ही है ना, जो कि दिखाते हैं कि आपके बाल, ये आपको ये दिखाते हैं कि आपके बाल कितने स्ट्रेंथ हैं, कितने मजबूत हैं और बिल्कुल भी गिरते झड़ते टूटते नहीं। अगर आपको ये समस्या है कि आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, जैसे कि इस टाइम बहुत सारे लोगों की परेशानी ये है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ रुचि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बाल अगर झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो सबसे पहला इसका रीजन आप समझ लीजिए कि अगर आप बरसात में बहुत ज्यादा भीगे हैं, क्योंकि बारिश में भीगना सभी को पसंद होता है, लेकिन बारिश में भीगने के दौरान अपने बालों की केयर नहीं कर पाने की वजह से आपके बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। तो नॉर्मली जो बाल झड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा बाल झड़ते हैं जब आपके बालों में बारिश का पानी गिरता है। बारिश का पानी जो होता है, क्योंकि जो बारिश होती है वो ऐसा नहीं कि साफ सुथरी बारिश होती है, बहुत जगह से वॉश करके जल जो बादल लेता है उसमें बहुत सारी गंदगी भी होती है, और वो बारिश जब नीचे गिरती है और अगर वो हमारे बालों पे पड़ती है तो हमारे बाल का हो जाता है बुरा हाल, बाल पूरी तरह से डैमेज होते हैं। और ये झड़ने अगर स्टार्ट होते हैं तो जल्दी गिरते, मतलब रुकते नहीं है। आप कितना कुछ, कितनी ऑयलिंग कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, लेकिन बाल का जो झड़ना होता है ना वो कम ही नहीं होता। चोटी जो इतनी मोटी होती है वो एकदम पतली हो जाती है, और बाल जब पतले आते हैं ना हाथ में तो बहुत ही ज्यादा खराब लगते हैं, लगता है कि यार हमारे बाल कहाँ चले गए। सो अगर आप अपने बालों की केयर करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर बरसात में जरूर कीजिए, भीगे लेकिन शावर कैप लगा लीजिए, उसके बाद आराम से बिंदास होके भीगे, या फिर अगर आप खुले बाल में भीग रहे हैं तो तुरंत घर आइए, यानी कि घर में ही रहते होंगे या बाहर रोड पे कहीं पे भी भीग रहे हो, तो जब आप बारिश में भीग जाते हैं और घर आते हैं तो तुरंत अपने हेयर को अच्छे से वॉश कीजिए, शैम्पू लगाइए, कंडीशनिंग कीजिए, एंड उसके बाद अपने बालों को सुखा करके थोड़ा सा ये ड्राई, सेमी ड्राई हो जाए उसके बाद कॉम कीजिए, एंड इसके बाद सीरम वगैरह जो भी लगाना हो, या एलोवेरा जेल या वाइटमिन ई की कैप्सूल लगानी, कुछ भी लगाना लगाइए, तब आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। लेकिन आप करते क्या है, जब बारिश में आपके बाल भीग जाते हैं, घर आते हैं, आप इतना ध्यान ही नहीं देते, उसको हल्का सा बस आपने टॉवल से सुखा लिया, एंड उसके बाद 2 दिन बाद आप देखना शुरू करते हैं कि कॉम में जब आपने झाड़ा तो बाल ही बाल दिखते हैं। सो रीजन है कि जब उस समय हम तुरंत केयर नहीं करते हैं तो वो बारिश का पानी तो हमारे बालों में रहता ही है, और हमारे बालों में रहने की वजह से वो हमारे रूट्स के अंदर, स्कैल्प के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से बाल हमारे यहाँ पे झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और जल्दी रुकते नहीं। सो बालों को, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और रुक नहीं रहे तो आज की रेमेडी आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस पैक को इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जितनी भी समस्या है बालों की झड़ने वाली वो बिल्कुल से रुक जाएंगी। इसके साथ ही आपके बाल हेल्दी भी बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके, एंड वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कीजिए एंड और लोगों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार में झड़ना रोकना चाहते हैं, साथ ही बालों की ग्रोथिंग को तेजी से लंबा करना चाहते हैं और लंबे नए बाल उगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे लेना है बाउल, और इसमें ऐड करना है आपको मेथी। अगर आप चाहें तो मेथी को रात भर में भिगो के छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मेथी का एक्चुअल तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेथी को लगभग 2 दिन के लिए भिगो के रखिए, ताकि वो अच्छे से फूल जाए, उसके बाद उसका पेस्ट बना के अनदर चीज़ों में मिक्स करके तब अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप इसमें टाइम में आपका ज़्यादा लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर मेथी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ईजिली आप अपने घर में खुद बना सकते हैं। तो आपको लेना है 1 चम्मच यहाँ मेथी पाउडर। सो गाइस, हमने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच मेथी पाउडर। इसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पे 1 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, यानी कि गुड़हल के फूल का पाउडर, जो कि हमारे बालों के को, मतलब हेयर ग्रोथिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और साथ ही साथ बालों को मतलब इसके स्कैल्प को मजबूत करता है, और ये हमारे बालों को झड़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं बालों में, यानी कि हफ्ते में 2 या 3 बार आप अप्लाई करेंगे, तो आपके बाल सडनली झड़ने, जो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और किस कारण से झड़ते हैं वो भी मैंने आपको बताया, सो ये स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। सो 1 चम्मच हमें यहाँ पर गुड़हल के फूल का पाउडर ऐड कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर 1 चम्मच गुड़हल के फूल का पाउडर ऐड कर दिया। अब इन्हें क्या करना है, हमें आपस में मिक्स कर लेना है,
और जरा से भी आपको लम्स वगैरह देखें, क्योंकि ये दोनों पाउडर ऐसे हैं कि अगर लंबे टाइम के लिए रख दो, जैसे ये हो गया, आंवला हो गया, ऐसे बहुत सारे पाउडर हैं जो कि आप थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं ना, तो वो जम जाते हैं और ढोके की तरह हो जाते हैं। सो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से, ताकि ये बिल्कुल इसका जो जो भी लम्स वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाए, ये बढ़िया सा पाउडर ऐसा रेडी हो जाए। सो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें ऐड करना है प्लेन योगर्ट। तो यहाँ पे मैं अपने घर का ही जमा हुआ दही इस्तेमाल कर रही हूँ। प्लेन योगर्ट आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, या इजीली आप चाहें तो इसको घर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट में प्लेन योगर्ट जल्दी मिलना मुश्किल होता है। सो आपको यहाँ पे मतलब आप चाहें तो जो फुल मिल्क का होता है दूध उससे भी जमा सकते हैं, या फिर जो टोंड वाला दूध होता है उससे भी जमा सकते हैं। सो आपको प्लेन यहाँ पे दही लेनी है, तो दही ऐड करना है इसमें, एंड दही आपको इतना ऐड करना है कि आपका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपको 3 चम्मच 4 चम्मच इतना लेना है, आपके अपने बालों के अकॉर्डिंग ये पाउडर लेना है। जैसे मेरे बाल जितने हैं तो मैंने यहाँ पे पाउडर लिया, एंड इससे मतलब पेस्ट बनाने के लिए दही की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना मैं इसमें ऐड करूँगी। सो गाइज, मैंने यहाँ पे लगभग 6 चम्मच के करीब दही को लिया है, ताकि एक अच्छा सा इसका पेस्ट रेडी हो जाए, बन जाए। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और कोई भी लम्स ना रहे, यानी कि बिल्कुल बढ़िया सा इसका पेस्ट आपको बना के यहाँ पे रेडी करना है। उसके बाद इसे आपको बालों में अप्लाई करना है। हेयर फॉल हेयर ग्रोथ रेमेडी बन के रेडी है। सो इसको सबसे अच्छा तरीका इस्तेमाल करने का है कि आप इसको बना के 2 दिन के लिए रख दीजिए, यानी कि जो उसमें मेथी मिक्स की गई है वो मेथी अगर 2 दिन तक इसमें रहती है, यानी कि आप तुरंत अप्लाई कीजिए, या फिर आप चाहे तो 2 दिन के लिए इसको छोड़ सकते हैं एज इट इज़, क्योंकि मेथी इसमें और ज़्यादा फूलेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा मेथी फूलेगी उतनी ही बढ़िया ये आपके बालों में असर करेगी, क्योंकि मेथी जो होती है ये तुरंत इस्तेमाल करने लायक चीज नहीं होती है, कि मतलब मेथी को आपने तुरंत इस्तेमाल किया ना तो इतना असर नहीं करती जितना आप इसको रख के छोड़ देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी सी आप देख सकते हैं हो जाती है, और तो ये जितनी ज़्यादा फूल जाती है उतनी बढ़िया ये असर करती है बालों में। इसके इस्तेमाल से विद इन 1 वीक में ही, यानी वीक में अगर आपने 2 बार या 3 बार इस्तेमाल किया, विद इन 1 वीक में ही आपके बाल जो है वो पूरी तरह से झड़ने बंद हो जाएंगे और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेथी जो होती है वो एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, और ये हमारे बालों में छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स आते हैं उनको भी लंबा करने के लिए होती है, और साथ ही जहाँ पे आपको गंजेपन की समस्या है, यानी कि जहाँ पे आपके लंबे काफ़ी टाइम से बाल नहीं उग रहे हैं, उसको भी ये रिग्रोथिंग करती है, यानी कि वहाँ पे भी नए बाल आपके लाती है। सो इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। अप्लाई करने का प्रोसेस वही है कि आपको, अगर आप मेथी ले रहे हैं साबुत मेथी को भिगो करके और उसके बाद पीस करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इसका जो पेस्ट हो वो बहुत ही महीन होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मेथी जो हम बालों में लगाते हैं तो वो चिपक जाती है और जल्दी से निकलती नहीं। सो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे मेथी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, वो इजीली आपके बालों से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम मेथी दाने को भिगो करके और पीस करके इस्तेमाल करते हैं, सो ये ध्यान रखिए कि आपका मेथी दाना जो है वो बहुत अच्छे से पिसा हुआ हो, ताकि जो पेस्ट आप अप्लाई करें बालों में तो ये बालों से ईजिली छूट जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। सो बालों में इसे लगा करके रखना है ओनली 1/2 आवर तक। इसके बाद आपको वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। ऑयलिंग की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑयलिंग की। ये जो रेमेडी है वो स्पेशली फॉर है आपके हेयर फॉल हेयर लॉस के लिए एंड रीग्रोथिंग के लिए। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे आगे भी कंटिन्यू लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।